आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज भोजपुरिया। मैं हूं ममता तिवारी। आजकल सारे लोग भक्ति और श्रद्धा में डूबे हुए हैं क्योंकि आजकल चल रहा है नवरात्रि का त्यौहार। नवरात्रि एक ऐसा संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है नौ रातें। इन नौ रातों और 10 दिनों के दौरान शक्ति देवी के नौ रूपों की पूजा की जाती है। 10वें दिन दशहरे के नाम से प्रसिद्ध है। नवरात्रि वर्ष में 4 बार आती है, पौष, चैत्र, आषाढ़, आश्विन और प्रतिपदा। यहाँ से नवमी तक मनाया जाता है। नवरात्रि के 9 रातों में 3 देवियाँ महालक्ष्मी, महासरस्वती और दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है, जिन्हें नवदुर्गा कहते हैं। इन 9 रातों और 10 दिनों के दौरान शक्ति देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है। दुर्गा का मतलब जीवन के दुख को हटाने वाली होता है। आदिशक्ति के हर रूप को नवरात्र के 9 दिनों में अलग अलग पूजा की जाती है। माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियाँ देने वाली हैं। इनका वाहन सिंह है और कमल पुष्प पर ही आसन होती हैं। नवरात्रि के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन देवी दुर्गा की पूजा करने के लिए समर्पित किए जाते हैं। यहाँ पूजा उसकी ऊर्जा और शक्ति की जाती है। प्रत्येक दिन दुर्गा के एक अलग रूप को समर्पित है। त्योहार के पहले दिन बालिकाओं की पूजा की जाती है, दूसरे दिन युवती की पूजा की जाती है, तीसरे दिन जो महिला परिपक्वता के चरण में पहुंच गई है उसकी पूजा की जाती है। देवी दुर्गा के विनाशकारी पहलू सब बुराई प्रवृत्तियों पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्धता का प्रतीक है। व्यक्ति जब अहंकार, क्रोध, वासना और अन्य पशु प्रवृत्ति की बुराई प्रवृत्तियों पर विजय प्राप्त कर लेता है, वह एक शून्य का अनुभव करता है। यह शून्य आध्यात्मिक धन से भर जाता है। प्रयोजन के लिए व्यक्ति सभी भौतिकवादी आध्यात्मिक धन और समृद्धि प्राप्त करने के लिए देवी लक्ष्मी की पूजा करता है। नवरात्रि के 4थे, 5वें और 6ठे दिन लक्ष्मी समृद्धि और शांति की देवी की पूजा करने के लिए समर्पित है। शायद व्यक्ति बुरी प्रवृत्तियों और धन पर विजय प्राप्त कर लेता है, पर वह अभी सच्चे ज्ञान से वंचित है। ज्ञान एक मानवीय जीवन जीने के लिए आवश्यक है, भले ही वह सत्ता और धन के साथ समृद्ध है। इसलिए नवरात्रि के 5वें दिन देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। सभी पुस्तकों और अन्य साहित्यिक सामग्रियों को एक स्थान पर इकट्ठा कर दिया जाता है और एक दिया देवी आह्वान और आशीर्वाद लेने के लिए देवता के सामने जलाया जाता है। सातवें दिन कला और ज्ञान की देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। प्रार्थनाएं आध्यात्मिक ज्ञान की तलाश के उद्देश्य के साथ की जाती हैं। 8वें दिन पर एक यज्ञ किया जाता है। ये एक बलिदान है जो देवी दुर्गा को सम्मान तथा उनको विदा करने के लिए दिया जाता है। 9वां दिन नवरात्रि समारोह का अंतिम दिन है। ये महानवमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन पर कन्या पूजन होती है। उन नौजवान लड़कियों की पूजा होती है जो अभी तक यौवन की अवस्था तक नहीं पहुँची हैं। इन 9 लड़कियों को देवी दुर्गा के 9 रूपों का प्रतीक माना जाता है। लड़कियों का सम्मान तथा स्वागत करने के लिए उनके पैर धोए जाते हैं। पूजा के अंत में लड़कियों को उपहार के रूप में नए कपड़े भी दिए जाते हैं। वैसे तो माँ भवानी के अलग अलग अवतार हैं, लेकिन पूजा हर जगह कलश स्थापना के साथ ही की जाती है। साथ ही पाठ के रूप में अलग अलग कुछ कहानियाँ कही जाती हैं, जिसमें से कुछ इस प्रकार हैं। लंका युद्ध में ब्रह्मजी ने श्री राम से रावण वध के लिए चंडी देवी का पूजन कर देवी को प्रसन्न करने को कहा और बताए अनुसार चंडी पूजन और हवन हेतु दुर्लभ 108 नील कमल की व्यवस्था की गई। वहीं दूसरी ओर रावण ने भी अमरता के लोभ में विजय कामना से चंडी पाठ प्रारंभ किया। ये बात इंद्रदेव ने पवन देव के माध्यम से श्री राम के पास पहुंचाई और परामर्श दिया कि चंडी पाठ यथासंभव पूर्ण होने दिया जाए। इधर हवन सामग्री में पूजा स्थल से एक नील कमल रावण की मायावी शक्ति से गायब हो गया और रावण का संकल्प टूटता सा नजर आने लगा। भय इस बात का था कि देवी माँ रुष्ट ना हो जाए।
दुर्लभ नीलकमल की व्यवस्था तत्काल असंभव थी, तब भगवान राम को सहज ही स्मरण हुआ कि मुझे लोग कमल नयन नवकंच लोचन कहते हैं, तो क्यों ना संकल्प पूर्ति हेतु एक नेत्र अर्पित कर दिया जाए। और प्रभु राम जैसे ही तुनीर से एक बाण निकालकर अपना नेत्र निकालने के लिए तैयार हुए, तब देवी माँ प्रकट हो हाथ पकड़कर कहा, राम मैं प्रसन्न हूँ, और विजयश्री का आशीर्वाद दिया। वहीं रावण के चंडी पाठ में यज्ञ कर रहे ब्राह्मणों की सेवा में ब्राह्मण बालक का रूप धरकर हनुमान जी सेवा में जुट गए। निस्वार्थ सेवा देखकर ब्राह्मणों ने हनुमान जी से वर मांगने को कहा। इस पर हनुमान ने विनम्रता पूर्वक कहा, प्रभु आप प्रसन्न हैं तो जिस मंत्र से यज्ञ कर रहे हैं उसका एक अक्षर मेरे कहने से बदल दीजिए। ब्राह्मण इस रहस्य को समझ नहीं सके और तथास्तु कह दिया। मंत्र में जया देवी भूति हरिणी में ह के स्थान पर का उच्चारित करें, ये मेरी इच्छा है। भूति हरिणी यानी कि प्राणियों की पीड़ा हरने वाली, और करिणी का अर्थ हो गया प्राणियों को पीड़ित करने वाली, जिससे देवी रुष्ट हो गई और रावण का सर्वनाश करवा दिया। हनुमान जी महाराज ने श्लोक में ह की जगह क करवा कर रावण के यज्ञ की दिशा ही बदल दी। शक्ति के बिना कोई काम सफल नहीं होता, चाहे आपका सिद्धांत कितना भी अच्छा हो, आपके विचार कितने भी सुंदर और उच्च हो, लेकिन अगर आप शक्तिहीन हैं तो आपके विचारों का कोई मूल्य नहीं होगा। विचार अच्छा है, सिद्धांत अच्छा है, इसलिए सर्वमान्य हो जाता है। ऐसा नहीं है कि सिद्धांत या विचार चाहे कैसा भी हो, उसके पीछे शक्ति जितनी ज़्यादा लगती हो उतना ही वो सर्वमान्य होता है। चुनाव में भी देखो तो हार जीत होती रहती है। ऐसा नहीं है कि ये आदमी अच्छा है इसलिए चुनाव में जीत गया और वह आदमी बुरा है इसलिए चुनाव में हार गया। आदमी अच्छा हो या बुरा, चुनाव में जीतने के लिए जिसने ज़्यादा शक्ति लगाई वह जीत जाएगा। हकीकत में जिस किसी विषय में जो ज़्यादा शक्ति लगाता है वह जीतता है। वकील लोगों को भी पता होगा, कई बार ऐसा होता है कि असली चाहे ईमानदार हो बेईमान हो, परंतु जिस वकील के तर्क जोरदार और जानदार होते हैं वह मुकदमा जीत जाता है। ऐसे ही जीवन में विचारों को सिद्धांतों को प्रतिष्ठित करने के लिए शक्ति चाहिए, बल चाहिए, दृढ़ निश्चय चाहिए। साधकों के लिए उपासना अत्यंत आवश्यक है। जीवन में कदम कदम पर कैसी कैसी मुश्किलें कैसी कैसी समस्याएं आती हैं, उनसे लड़ने के लिए सामना करने के लिए भी बड़ा बल चाहिए। वह बल उपासना आराधना से मिलता है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी ने मानो इसका प्रतिनिधित्व किया है। सेतु बंद के समय शिव की उपासना करने के लिए श्री रामचंद्र जी ने रामेश्वर में शिवलिंग की स्थापना की थी। युद्ध के पहले 9 दिन चंडी की उपासना की थी। भगवान श्री कृष्ण ने भी सूर्य की उपासना की थी। इन अवतारों ने हमें बताया है कि अगर आप मुक्ति पाना चाहते हैं तो उपासना को अपने जीवन का एक अंग बना लो। बिना उपासना के विकास नहीं हो सकता। इस पर्व से जुड़ी एक अन्य कथा अनुसार देवी दुर्गा ने एक भैंस रूपी असुर अर्थात महिषासुर का वध किया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार महिषासुर के एकाग्र ध्यान से बाध्य होकर देवताओं ने उसे अजय होने का वरदान दे दिया। उसको वरदान देने के बाद देवताओं को चिंता हुई कि वह अब अपनी शक्ति का गलत प्रयोग करेगा और प्रत्याशित प्रतिफल स्वरूप महिषासुर ने नरक का विस्तार स्वर्ग के द्वार तक कर दिया, और उसके इस कृत्य को देख देवता विस्मय की स्थिति में आ गए। महिषासुर ने सूर्य इंद्र अग्नि वायु चंद्रमा यम वरुण और अन्य देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए और स्वयं स्वर्गलोक का मालिक बन बैठा। देवताओं को महिषासुर के प्रकोप से पृथ्वी पर विचरण करना पड़ रहा है। तब महिषासुर के इस दुस्साहस से क्रोधित होकर देवताओं ने देवी दुर्गा की रचना की। ऐसा माना जाता है कि देवी दुर्गा के निर्माण में सारे देवताओं का एक समान बल लगाया गया था। महिषासुर का नाश करने के लिए सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र देवी दुर्गा को दिए थे, और कहा जाता है कि इन देवताओं के सम्मिलित प्रयास से देवी दुर्गा और बलवान हो गई थी। इन 9 दिन देवी महिषासुर संग्राम और महिषासुर वध कर महिषासुर मर्दिनी कहलाई। इन दिनों आप लोगों के
के घर में भी माता रानी के आशीर्वाद और प्यार से रौनक होगी, आप सब में उत्साह होगा, तो वहीं छोटे छोटे बच्चों को भी इंतजार रहेगा रावण का दहन देखने के लिए। ये सारी खुशियां घर में साल में कुछ पलों के लिए आती हैं, इसलिए आप इन त्योहारों को अच्छे से इंजॉय कीजिए। तो हमारी कामना भी ऐसी ही है कि खुशहालियाँ आप लोगों की जिंदगी में हमेशा रहें, नौ दुर्गे का आशीर्वाद आप और आपके परिवार पर बरकरार रहे, ऐसी हमारी कामना है। नमस्कार।